प्रीति जी भी एकदम पूरा तैयार हो चुकी हैं। 150 किलोमीटर दूर कहाँ जा रहे पता है? मेरे मायके पहली खुशी देख रहे हो भाई साहब चेहरे पर? बार चल रहे हैं भाई शादी के बाद ससुराल। दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग अपने मायके आ गए। हम अपने मायके पहुंच गए। अब यहाँ पर मेरा राज चलेगा। चलो चलो चलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9। धूप भी नहीं है, ऐसा लग रहा है बारिश होगा। आ गए घूमकर, सुबह सुबह चले जाते हैं घूमने। ये घर के सामने बगीचे में थे। बगीचे में थे नहीं थे, हम देखे हैं सामने थे, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। वो क्या खा रही हो आकृति? आकृति कौन आइसक्रीम खा रही हो? तुम गधा है? हाँ। कौन वाला गधा है भाई? सुअर वाला। देख रहे दोस्तों हमको कृति क्या क्या बोल रही है। अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे थे, नॉर्मल बर्फ खा रहे थे। इसको देखो, ये वाला कौन सा वाला बर्फ खा रही है? पहले बर्फ आता था गरी वाला, तो गरी वाला बर्फ नहीं पाई तो गरी का गोला ले लिया और बर्फ खा रही है। गरी में गरी वाला बर्फ खा रही हूँ। ये कौन सा बर्फ बन गया अब? ये तो आइसक्रीम बन गया। अब जूस जूस बन गया। गरी जूस, गरी जूस। मजा आ रहा है कृति? जंजीरा भी डाल दी उसमें। अरे बाप रे, एक से एक बढ़कर समय। अब अच्छा लग रहा है कृति? क्या कर रही है ये? क्या है देख रहे दोस्तों, ये क्या कर रही है? ओ हो 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 हो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे बाप रे, उलट गई। कौन दिया है? दीदी। कैसा है? अच्छा। अच्छा, कौन सा कलर है हेयरबैंड का? उज्जर। उज्जर वाइट। वाइट बोलो। सफेद। हाँ, ये कौन कलर है गुड्डा? पिंक। और ये सेम सेम, मतलब व्हाइट। ओ बस। ये उसे बोल रही है उसकी बहन है। उसकी बहन है वो? तुम्हारी बहन नहीं है? क्यों? ये बदमाश है। अच्छा, तुम बहुत सीधी से शादी हो ना, ये बदमाश है तो। कभी ये घूमने नहीं जाता है, काहे ये पढ़ता है? मोटरसाइकिल पे बैठा हो ना। मोटरसाइकिल पे? हाँ। ले आओ। ले तू ले आओ। हम काला है। काला हाथ गुड़ना है बस। ले तो भी हाथ गुड़ना है बस। ये देखो, ये सबको, ये मेरी पत्नी जो है ये भी इन लोग के साथ खुशी हो रही है। ये लोग पूरा एकदम बच्चा बना के रखे हैं। ओए लड़की लग रही है। बाल तो बाल इतना खराब हो गए बाप, इतना बड़ा बड़ा। पहले तो हम बाल कटवाएंगे, अभी थोड़ी देर में जा रहे हैं बाल कटवाने। बाल कटवाना पड़ेगा ना जी। बहुत देखे बाल कैसा होगा पूरा, पर यही लागे जाए कटवा लगा, यही समय चला जाए कहा तब कट जाए। शाम को ना, शाम को काम में, फिर काम में फंस जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। भैया बाल कटवाने आई गए हैं। हाँ। छोटा कह दियो भैया। हाँ, छोटा कर, हमारा तो कटना छोटा है। उतना छोटा नहीं करना है। काट देना भैया। हाँ काटो। हाँ वही वो ऊन यार, सही जनवाल, सही जनवाल। ये भाई पूरे गांव वाले दोस्तों बाल वाल तो एकदम बढ़िया से कटवा लिए हैं। इस बार थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा बाल करवा लिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत तो अच्छे दिख ही रहे हैं। और अभी देखो बिल्कुल हम एकदम तैयार दिख रहे हैं ना, कहीं जाने के लिए ना, बिल्कुल एकदम पूरा तैयार हैं। देख रहे हैं आप लोग, पूरा जूता, जीन्स, ये शर्ट, एकदम पूरा फुल तैयारी में है। और पता कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जगह पर जा रहे हैं ना जहाँ शादी के बाद हम पहली बार जा रहे हैं।
आइए जी, आइए आइए। और प्रीति जी भी एकदम पूरा तैयार हो चुकी हैं। ये भी पूरा एकदम तैयार हैं और अभी हम चल रहे हैं घूमने। और घूमने मतलब 150 किलोमीटर दूर कहाँ जा रहे हैं पता है? मेरे मायके। खुशी देख रहे हो भाई सब चेहरे पर? तो अभी कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। बहुत खुशी हो रहा है? लग रहे हैं मक्खी यार मेरे आपके ऊपर नहीं कर रहा हूँ ऐसे। मक्खी आ रही यार, देखो देख रही हो? पता नहीं मक्खी क्यों आ रही। ओहो, तो कैसा फील हो रहा है अभी आपको? एकदम मस्त। जा रहे हैं शादी के 15 दिन बाद अपने मायके, तो अच्छा तो लगेगा ना। अगर आप मेरी जगह होते तब आपको पता चलता कितनी खुशी हो रही है। ओहो, समझ सकते हैं समझ सकते हैं। ये कौन सा कलर है जी? नीला और गोल्डन कलर मिक्स है इसमें साड़ी में। नेवी ब्लू। नेवी ब्लू, तो ये बिल्कुल एकदम तैयार हो चुके हैं। बढ़िया सा साड़ी है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये तो भाई साहब पूछने मत कितनी प्यारी लगती है। तो अभी बहुत ज्यादा खुश हैं ये, मतलब शादी के बाद आज सबसे ज्यादा खुश हैं ये। क्यों? मतलब इसके पहले खुश नहीं थे? ओ, खुश थे लेकिन सबसे ज्यादा खुश आज थे। मतलब मेरे साथ नहीं खुश थे? अच्छा, खुश थे, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब चलो कोई ना, लेकिन मायके जाने की खुशी एक अलग ही खुशी होती है। हम जानते हैं, अपने दीदी लोग को देखे भी हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग निकलते हैं और सारा सामान वगैरह रेडी हो चुका है ना। तो भी आज इस घर को छोड़कर जाने वाले हैं। बात तेरी बहुरिया के ले जाई तो कर मायके। अम्मा कह रही थोड़ा जल्दी करना, जल्दी आ जाना। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ए जी, हो गया आप तैयार? चलो हेलमेट ले लेते हैं। बाय बाय बाबू, हम लोग बहुत जल्द आएंगे, टेंशन मत लेना। पहली बार चल रहे हैं भाई शादी के बाद ससुराल। बैठे ना आप। तो दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं, चलें जी। अरे जंगल क्या, इधर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, तो ये जंगल हो गया जी। तो यही सब तो ठीक है, पेड़ पौधे हैं ये। मोर मोर हम लोग के यहाँ मोर बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा अचंभा सा हुआ कि मोर मोर। दोस्तों हम लोग मेन रोड पे पहुंच गए और यहाँ से मारेंगे टर्न और जाएंगे मेरे घर। हम लोग को 140 किलोमीटर लगभग तय करना है। 140? हाँ। 10 किलोमीटर पास? हाँ, मतलब लगभग 10 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग को 140 किलोमीटर निकलना है यहाँ से। आप संभाल के बैठ लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा मेन रोड आज का, ठीक है? हाँ, आराम से बैठिएगा, भैया बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इधर। उनके हाथ में चूड़ी नहीं है, तो चूड़ी ले लेते हैं यहाँ से। सुना सुना हाथ लग रहा है वैसे। ये बड़ा सा पहनी देख लो, कौन सा कलर? आपको जो पसंद है देख लीजिए ना, हमको क्या पता है। ये क्या है, कंगन? इसके आगे पीछे चूड़ी रहेगा ना, तब अच्छा लगेगा ना। वो इस टाइप का चूड़ी नहीं था क्या घर में? इस कलर का नहीं था चूड़ी, बाकी सब था कलर का। अच्छा, आइए। तो चूड़िया पहन ली हैं ये, और अब देखो कितना प्यारा लग रहा है दोनों। हाँ, और खाना पीना भी हम लोग कर ही लिए हैं। अब हम लोग को रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुक रहा है ना जी। अब डायरेक्ट यहाँ से मेरे ससुराल, मेरे घर, मेरे ससुराल, मेरे मायके। चलो चलते हैं अब पटाख से निकल रहे हैं ना।
हाँ चलिए ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग घर से 50 किलोमीटर दूर यहाँ तक आ गए हैं, अभी 100 किलोमीटर तक बाकी है और वो गए हैं पानी ले जाने, प्यास लगा है तो पानी ले रहे हैं। इतना दूर इन्हें आदत है जाने जाने का और हमें बाइक पे जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हम लोग रुक रुक के जा रहे हैं। ये देखिए आ गए पानी लेकर, प्यास लगा है, प्यास लगा और थोड़ा आग को धुलते धुलते चलेंगे, नींद आता है इतना दूर बाइक चलाते हैं तो। पानी वानी पी लिए दोस्तों हम दोनों, थोड़ा हम मुँह धुल लिए हैं, काहे के बाइक चलाते वक्त नींद आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और दूरिया भी सफ़र कर रहा है 150 किलोमीटर तो नींद तो आ सकता है। तो चलें जी, रेडी निकले। हाँ। वहीं रुक जाइए। हम लोग अपनी माँ के आ गए, मतलब हम लोग अपनी माँ के आ गए, अपने ससुराल आए हैं। आराम आराम सहेली। हाँ सहेली तो फास्ट होती। चलो 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 चलो, खुशी देख रहे हैं दोस्तों अपने मायके आने के बाद। दोस्तों हम मतलब हम अपने मायके पहुंच गए, आप कहाँ हैं? अपने ससुराल। हाँ अब यहाँ पर मेरा राज चलेगा क्योंकि ये मेरा मायका है, ये मेरा घर है। अच्छा जी। हाँ तो क्या करोगे मेरे से इधर राज चलेगा तो? कुछ नहीं बस ब्लॉग शूट कीजिएगा। अच्छा मतलब आप आगे पीछे में कैमरा लेके घूमूं? हाँ। अरे भैया आप सभी को अपना पूरा गांव घुमाएंगे। और अभी हम लोग खाना पीना भी कर चुके हैं, नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग थके हुए बहुत ज़्यादा भैया, 150 किलोमीटर चलाएं बाइक, ये भी विचार या समझ लो कि बाइक पर पहली बार आप इतना दूर सफ़र किए होंगे। पहली बार फिर भी रेस्ट करते करते हम लोग आए हैं। हाँ हम लोग चार पांच बार रुके हैं, हालांकि आप लोग को एक ही दो बार दिखाएं ब्लॉग में, लेकिन हम लोग चार पांच बार रुके हैं एकदम आराम से, बड़े इत्मीनान से एकदम आराम आराम से पहुंच गए हम लोग। और अब वक्त आ चुका है इस ब्लॉग को समाप्त करने का, सही में हम लोग का बहुत मन कर रहा है आराम करने का। क्यों जी एकदम बाल बहुत ज़्यादा तो नहीं छोटा हो गया जी? छोटा हो गया है, कटवा के चले। बाप रे धूप की वजह से शक्ल इतना ख़राब हो गया ना कि लग रहा है कोयले की खदान में से निकले हम। चले कोई ना, इस ब्लॉग को हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले ब्लॉग में आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग को जरूर वो सब चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।